नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के फतेहाबाद में दसवीं कक्षा के एक छात्र के दिमाग में न जाने क्या आया कि उसने अपने ही बारहवीं कक्षा के सीनियर छात्र को चाकुओं से मार डाला। स्कूल में हुई एक छोटी सी कहा सुनी खूनी संघर्ष में बदल गई। दसवीं कक्षा के छात्र ने बारहवीं कक्षा के छात्र को चाकुओं से गोद डाला। फतेहाबाद के गाँव जांडली का है पूरा मामला और घटना के बाद में स्कूल और गांव के अंदर हड़कंप मच चुका है। घटना में घायल युवक को अग्रवाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया जहां पर उसने दम तोड़ दिया। डीएसपी सहित पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके थे और जांच में जुटे हैं। स्कूल और कक्षा में हुई एक छोटी सी बात को लेकर के लड़का तेज में आ गया था और उसने दूसरे छात्र पर हमला कर दिया। अब देख रहे हैं पल पल फतेहाबाद से ये खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि हरियाणा के फतेहाबाद में ही एक स्कूल में ही पढ़ने वाले दो छात्रों के बीच में झगड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि एक छोटी सी कहा सुनी हुई थी और वो झगड़े के अंदर तब्दील हो गई और बाद में ही एक छोटे दसवीं कक्षा के छात्र ने बड़े बारहवीं कक्षा के छात्र के पेट में चाकू मारकर उसकी जान ले ली है। घटना के बाद में गांव और स्कूल में दहशत का माहौल है। मामला फतेहाबाद के जंडी कला का है। गाँव के सरकारी स्कूल के अंदर दसवीं और बारहवीं के ही पढ़ने वाले वो छात्र हैं। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच में एक छोटी सी कहा सुनी हुई थी जो बाद में झगड़े में तब्दील हो गई और तेज में आए हुए दसवीं के एक छात्र ने अपने सीनियर छात्र बिट्टू पर चाकुओं से बार बार वार किए। घटना के बाद में गंभीर रूप से घायल उस युवक को भुना शहर के ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया जहाँ पर उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे चिकित्सकों ने अग्रोहा रेफर कर दिया। अग्रोहा में इलाज के दौरान ही बारहवीं कक्षा के छात्र अंकुश ने दम तोड़ दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद में भुना थाने के डीएसपी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। आखिरकार क्या वजह रही है कि एक छात्र ने अपने ही सहपाठी पर इस प्रकार से जानलेवा हमला करना पड़ा? बहरहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस जांच के बाद पूरे मामले का खुलासा कर पाएगी। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। मृतक जो है वो बिंटू सन ऑफ राजेश बैरू का लड़का है और जिस आपसी रंजिश तो कुछ समझ में नहीं आ रही। जो बच्चे हैं ये जो मारने वाला है वो दसवीं क्लास का बच्चा है और जो लड़का गुजर गया है वो प्लस टू का लड़का है। आपसी तो कोई रंजिश नहीं है, बस एक दो दिन पहले कुछ बता रहे हैं क्लास में बैठे थे, आपसी कोई झगड़ा हो गया। इस झगड़े चलते जो दसवीं क्लास का लड़का है अंशुल, जिसने उस लड़के को मारा है, वो घर से चाकू लेके आया था। उसने बस आज करीब 2 बजे उसकी क्लास में जाके उसके पेट में चाकू गोद दिया और उसको मौके से फिर वहाँ हॉस्पिटल में ले गया, अगरवा रेफर कर दिया गया। वहाँ जाके लड़के ने दम तोड़ दिया। जी सर, ये स्कूल में चक्कूबाजी का मामला सामने आया जी, तो इसमें युवक की मौत होगी, क्या कार्रवाई की जा रही है? हाँ, ये सूचना मिली थी कि आपस में स्कूल में बच्चों का झगड़ा हो गया और एक बच्चे ने दूसरे का चक्कू मारा है, इस पर मौके पर गया था। तो इसमें दो बच्चे हैं, एक बिंटू नाम का लड़का जो प्लस टू का स्टूडेंट है, अंशुल नाम का लड़का है जो दसवीं क्लास का स्टूडेंट है। तो अंशुल ने उस बिंटू को चक्कू मारे, चक्कू मारने के बाद वहाँ मौजूद स्टाफ ने उनको छुटवा दिया, बच्चे को लेके गए वहाँ अग्रवा हॉस्पिटल, तो वहाँ दौरान इलाज उसकी मौत हो गई। तो अब में कार्रवाई क्या रहेगी सर इसमें? हाँ, इसमें अभी वहाँ बयान वगैरह लिखे जा रहे हैं और उसके तुरंत बाद FIR लॉन्च करके और आगे में कार्रवाई की जा रही है।